मसीह में आपको बहुत बहुत सलाम। मेरे जो हमारा ये जो आठ चक में पांच ग्रही में एक बेटा है एहसान, इसे कत्ल कर दिया गया है साइया वाला में। इसलिए हम कल बरोज इतवार 3 तारीख बरोज इतवार प्रेस क्लब के पास हम कल 11 बजे जमा होंगे। आप सबको दावत दी जाती है, जितने मसीह भाई हैं आप भी हैं एहतजाज के लिए, ताकि हम प्रेस क्लब के बाहर जब एहतजाज कर सके कि ये जो ज्यादती हुई है हमारे एक मसीह, उसे मजदूर जान के कत्ल कर दिया गया है। उसकी टांगों को बांधा हुआ था रस्सियों से, उसकी मांसपेशियां छील गई, हड्डियां नजर आ रही हैं, इतनी सख्ती के साथ उसके साथ पेश किया आया गया, जुल्म किया गया, वो आखिरकार मर गया। हम सब जितने भी हैं यहाँ पे एहतजाज के लिए जाएंगे, और आप तमाम मसीह भाइयों से कहा जाता है कि आप भी आए, अपने दोस्तों को भी लाए, ताकि हम वहाँ पे एहतजाज करें कि हमेशा मसीहियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मसीही अकवाम के साथ हमेशा जो धक्का किया जाता है, ज्यादती की जाती है, उन पर तशद्दुद किया जाता है और उनको हमेशा कमतर जाना जाता है। थाने में जाएं तो कहा जाता है कि माड़े बंदे ने, माड़े बंदे हैं तो माड़े बंदे नाल ही हमेशा ज्यादती की जाती है। इन्हें भी माड़ा बंदा समझ के चौके लागे कतल कर दिता, और उसके बाद पर्चा नहीं कट रहे, फैसलाबाद भी नहीं कट रहे, साइया वाले भी उत्तर गए, कहते जी तला उत्ते पर्चा होना है। सो मेरे जो आप सबको दावत दी जाती है, अगर आप 11 बजे कल प्रेस क्लब के पास आए, जो हम सब आठ चक्के दीगर बुजुर्ग जितने नौजवान हैं हम सब यहाँ पे मौजूद होंगे जी, जो मौजूद होंगे हालेलुया का नारा मारेंगे, हालेलुया। खुदा आपके साथ हो, शुक्रिया जी।